चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सेफ्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम स्टडी करेंगे स्टॉक मार्केट का। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर होगा कि इस वीडियो में जो भी स्टडी और एनालिसिस कर रहे हैं ओनली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से होगा। आगे आप कल की जो हमारी एनालिसिस थी और कल मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि मार्केट नया हाई बना रहा है लेकिन स्टॉक अपना हैंड छोड़ रहे हैं, और आज आप देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही हरियाली में बंद हुए हैं और दोनों ही ऊपरी रेंज में गए हुए थे, फिर भी प्लस में बंद हुआ है। लेकिन आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख रहे हैं, 182 स्टॉक रेड में बंद हुए हैं और 33 स्टॉक, एस आर एफ एन ओ का डेटा है, 33 स्टॉक डाउन में बंद हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसीलिए टॉप आउट, जब भी बाजार ऊपरी लेवल पे टॉप आउट करेगा 13-14 महीने की रैली को जब हम एग्जिट करेंगे, उस रैली को जब हम इल्ड करेंगे। अभी बाजार जब नीचे से चल रहा था 2017 जनवरी से, तब से हर डिप पे बाइंग आ रही थी और हर डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी था और उसमें भी हाई और लो बन रहे थे। लेकिन वो हाई लो एक पॉइंट पे गिरना था तो गिरता था, लेकिन जब बाजार टॉप और बॉटम बना रहा होता है तो गिरने के टाइम में नहीं गिरता है, चढ़ने के टाइम पे चढ़ता नहीं है और लोगों को कंफ्यूज करा के बाजार चलता है। तो सेम पैटर्न पिछले 2-3 महीनों से चल रहा है, तो इससे भी सिग्नल मिल जाता है। ये सारा सिग्नल आम ट्रेडर को नहीं समझ में आता है, इसलिए ट्रैप कर जाते हैं। और जिन लोगों ने एक्चुअली स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको एक बुल मार्केट और एक बियर मार्केट सामने से ट्रेल होते हुए देखना पड़ेगा। आप ट्रेड करें ना करें लेकिन सामने से उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो मुझे लगता है कि अभी जो बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, मुझे लगता है 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन जो मैच्योर ट्रेडर हैं, एक्चुअली हर बुल मार्केट में नए लोग आते हैं और चले जाते हैं, उनकी सफाया हो जाती है, हर बियर मार्केट में उनकी सफाया हो जाती है। तो सेम ट्रेंड ये पिछले सदियों से होता आया है। तो इसीलिए जो नए लोग हैं उनको बस ये लग रहा है कि तेजी है, लेकिन तेजी को कैसे, ये रियल तेजी है या वर्चुअल तेजी है, इसको समझने के लिए आप लोगों को स्टॉक की चाल को समझना कंपलसरी है। तो उस स्टॉक के बिहेवियर को देखने के बावजूद ही आदमी अपनी एनालिसिस करता है, और वही एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि वो इन्वेस्टर को समझ में आता है, इन्वेस्टमेंट पर्पस से वो आइडिया दी जाती है। बाकी जो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो सारे स्टॉकों में सेम लेवल जनरेट होते हैं, तो एक वीडियो में मैं किसी हर स्टॉक पे तो डिस्कस कर नहीं सकता है, तो निफ्टी पे ही डिस्कशन करता हूँ। लेकिन स्टॉक एक्चुअली मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो हर चीज़ की पकड़ होनी चाहिए। कैश का स्टॉक कैसा बिहेव कर रहा है, एफ एंड ओ के स्टॉक कैसे बिहेव कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट में एक्यूमुलेशन पैटर्न डेवलप हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न डेवलप हो रहा है। तो अभी बॉटम साइड में एक्यूमुलेशन पैटर्न डेवलप हो रहा होता है, टॉप साइड में डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न डेवलप हो रहा होता है। तो अभी जो पैटर्न चल रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न चल रहा है। हो सकता है इसमें कुछ ऐसे 10% स्टॉक है जो एक्यूमुलेशन जोन में हो, इसका मतलब ये नहीं कि मंदी शुरू होगी तो सारे स्टॉक गिरेंगे, कुछ स्टॉक चलेंगे भी, लेकिन एक बड़ी मंदी आएगी तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन आएगा, फिर से वो उठ के खड़े होकर फिर से चलेंगे। जो लोग पहले नहीं चले हैं वो अब चलेंगे, तो उसके पर्पज से ही आप लोगों को मैं अपनी व्यू शेयर करता हूँ। अब हम देखते हैं कि निफ्टी का जो आज लेवल रहा है, किस तरीके से ट्रेडिंग हुई है, उसकी कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी की जो कल की क्लोजिंग थी 7 निफ्टी की कल की जो क्लोजिंग थी वो देख लेते हैं एक बार। से 10,788
उसके बेसिस पे जो मैक्सिमम अपसाइड था और इसने गैप अप भी ओपन किया 10,887.76, और आज का हाई भी यही है। आज का जो हाई है 10,878, तो एग्जैक्ट सेम हाई डेवलप किया है, यही हमारा हाई था। तो इस हाई के बेसिस पे जो आज गिरावट होने वाली थी वो भी हमने देखा। इंट्राडे में जो भी मेरे सब्सक्राइबर थे उनको मैंने ये व्यू दिया था अपना कि 10,887 का जो हाई है, सॉरी 887, हाँ 887 का जो हाई है उसके बेसिस पे 10,869 और 10,834 के नीचे ट्रेंड डाउन हो जाएगा और टारगेट जो होगा 10,787। तो एग्जैक्ट वही लो पे मार्केट ने लो बनाया, लो जो बना है 10,782। तो एग्जैक्ट कल का जो मैक्सिमम जो टारगेट था उसको अचीव किया नीचे के तरफ। तो इस तरीके से हम इंट्राडे में लेवल निकाल सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के मदद से। अब हम देखते हैं कि कल का लेवल कैसा रहेगा। तो कल की जो लेवल एनालिसिस निकल के आई है कि अगर किसी भी कारणवश, एक्चुअली आज बैंक निफ्टी ने जो ट्रेंड रिवर्सल का जो सिग्नल दिया है, आप चार्ट पे देखेंगे, चार्ट पे एक बार स्टडी करते हैं, चार्ट पे जो पैटर्न डेवलप हुआ है ये चार्ट पे, कल अगर किसी भी कारणवश गैप डाउन या कल आज के लो से के आसपास से खुलता है और नीचे नीचे चलेंगे हम, तो बाजार में यहाँ से एक बहुत बड़ी करेक्शन हो जाएगी जिसका टारगेट 10,450 मैक्स मिनिमम जो टारगेट होगा 10,580, और उसके नीचे उसके नीचे भी हम 500 और 444 तक जाएंगे, उसका टारगेट बाद में निकालेंगे। लेकिन ये पैटर्न बनना कल के सेशन में जरूरी है। अगर किसी भी कारणवश निफ्टी में अगर 800 के आसपास ओपनिंग होकर के वहीं से कंटिन्यू गिरावट अगर हम देखेंगे तो एक पैटर्न, ये बेयरिश पैटर्न डेवलप हो जाएगा और ये हमेशा के लिए एक टॉप फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशनल सेल है कि 10,800 के नीचे ही खुलना चाहिए या उसके आसपास। अगर ऊपर खुलता भी है तो तुरंत आफ्टर 15 मिनट 10:09:30 के बाद इसमें एक लेवल नीचे ब्रेक हो जानी चाहिए और 10,770 के नीचे या 780 के नीचे ट्रेड शुरू हो जानी चाहिए और कंटिन्यू डाउनफॉल होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे जो टारगेट निकल करके आया है 10,765 के नीचे अगर हम सस्टेन कर जाते हैं विद इन ए आवर, तो हम कल इवनिंग तक 10,717 तक जाते हुए देखेंगे। लेकिन जो लेवल है 10,800 के नीचे ही या उसके आसपास हमें मौका मिलना चाहिए सेल करने का। और उसके अगर ये लेवल आता है और ऊपर ऊपर रेजिस्टेंस फेस होना चाहिए 10,834.30 का, तो 10,835 के स्टॉपलस के बेसिस पे आप अगर आपको नीचे नीचे लेवल मिलता है और 800 के आसपास मिलता है तो हम सेल कर सकते हैं। टारगेट जो होगा, पहला टारगेट होगा 10,765 का, और इस टारगेट को अगर हम पूरी तरीके से होल्ड करते हैं 15 से 20 मिनट तक, 15 to 30 मिनट, तो हम इसमें बड़ी गिरावट देखेंगे। कल के इवनिंग तक बॉटम बनते हुए देखेंगे 10,717 और उसके नीचे भी जा सकते हैं। तो ये रहा हमारा निफ्टी का लेवल एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी ने तो अपना काम कर दिया, जितना टॉप बनाना था बना चुका है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक में PSU बैंक की जो तेजी थी वो इंट्राडे में ही इनगल्फ हो गया है। तो इसके बेसिस पे 26,510 के नीचे सेल बनता है, टारगेट होगा 26,450 और 26,380, और उसके नीचे भी हम जा सकते हैं जिसका टारगेट होगा 226। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल एनालिसिस। और जो स्टॉक में तेजी हुआ है, आप लोगों को मैंने शेयर किया था अपना व्यू कि अजंता फार्मा को बाई किया जा सकता है, जो परसों के वीडियो में मैंने एनालाइज किया था कि अजंता फार्मा को बाई किया जा सकता है 17, इसकी जो प्राइस था इसका
अजंता फार्मा जो था 1520 के आसपास था, मैंने बोला था कि 1560 तक जाएगा और आज उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। सेकेंड, आप लोगों को सेल ऑन राइज में टाटा स्टील बोला था, सेम टाटा स्टील में भी बहुत बड़ी गिरावट हुई। तो इस तरीके की जो भी एनालिसिस है एक गैन प्राइस के बेस पे होती है, तो इसकी हम स्टडी और ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। जिसको भी चाहिए वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।